हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेम के स्टूडेंट के लिए हैं। पेपर थर्ड की यूनिट सेकंड का फिफ्थ क्वेश्चंस हैं। टॉपिक का नाम है रिग्रेशंस। इसका इंट्रोडक्शन से ही रिग्रेशन शब्द का यूज सर्वप्रथम SRSF डोल्टन को दिया जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले रिग्रेशंस की स्टडी की। अगला है डेफिनेशन ऑफ रिग्रेशंस। अकॉर्डिंग टू वेल्स एंड रॉबर्ट, दो या दो से ज़्यादा सीरीज के बीच में क्या रिलेशन है, इसे फाइंड आउट करना ही रिग्रेशंस कहलाता है। इसमें एक सीरीज या इवेंट के वैल्यू के बेस पर दूसरी सीरीज के बारे में भारी अनुमान लगाया जा सकता है। अगला है अकॉर्डिंग टू मॉरिस मेयर्स ब्लेयर, दो या दो से अधिक सीरीज में दिए गए रेडियो के बेस पर रेडिएशंस का पता लगाना रिग्रेशंस कहलाता है। रिग्रेशंस में यूज़ की जाने वाले टेक्निक रिग्रेशन मैकेनिज्म कहलाते हैं, अर्थात रिग्रेशंस कोरिलेशंस के नेचर और क्वांटिटी का स्केल हैं। थर्ड पॉइंट है काइंड ऑफ रिग्रेशन एनर्जी एनालिसिस। इस तकनीक के थ्रू इंडिपेंडेंट सीरीज के बेस पर डिपेंडेंट सीरीज का पता लगाया जाता है। रिग्रेशंस एनालिसिस टू टाइप का होता है। फर्स्ट है लीनियर रिग्रेशंस, कर्विलीनियर रिग्रेशंस। रिग्रेशंस की स्टडी बेसिली डोटोग्राम मेथड के थ्रू की जाती है। एक्स और वाई सीरीज की वैल्यू का ग्राफ बनने पर एक डेटेड डायग्राम बनता है। डेटेड डायग्राम पर मार्केट डेटा के मध्य से गुजरने वाली दो लाइन खींची जाती हैं। इनकी लाइन को रिग्रेशंस लाइन कहते हैं। सिंपल भाषा में लीनियर रिग्रेशन एक कर्वलीनेशन की बात करें तो जब ये लाइन सीधी होती हैं तो उसे लीनियर रिग्रेशंस कहा जाता है, और यदि खींची जाने वाली लाइन कर्व या जुड़ी हुई होती हैं तो इसे कर्वलीनियर रिग्रेशंस कहा जाता है। अगला है सिंपल मल्टीपल रिग्रेशंस। जब दो सीरीज एक्स और वाई के बीच रिग्रेशंस की स्टडी की जाती हैं तब एक सिंपल लाइन प्राप्त होती है, इसे सिंपल रिग्रेशंस कहा जाता है। इन दोनों सीरीज में से एक सीरीज इंडिपेंडेंट होती हैं और दूसरी डिपेंडेंट होती हैं। अगला है मल्टीपल रिग्रेशंस। जब दो या दो से ज़्यादा सीरीज रिग्रेशंस एनालिसिस की स्टडी की जाती हैं तो इसे मल्टीपल रिग्रेशंस कहा जाता है। यह दो या दो से ज़्यादा सीरीज इंडिपेंडेंट और केवल एक डिपेंडेंट होती हैं। अगला पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशंस रिग्रेशंस। कोरिलेशंस एनालिसिस में दो या दो से ज़्यादा सीरीज के बीच रिलेशंस का पता लगाया जाता है, जबकि रिग्रेशंस एनालिसिस में इस रिलेशंस के नेचर और क्वांटिटी को स्केल्स करके भारी अनुमान लगाया जाता है। रिग्रेशंस लाइन, दो सीरीज के बीच रिलेशंस को शो करने वाली लाइन जब दो सीरीज के बीच चेंज और क्वांटिटी को शो करती हैं उसे रिग्रेशंस लाइन कहा जाता है, या दो सीरीज के बीच रिलेशंस को शो करने वाली लाइन रिग्रेशंस लाइन कहलाती है। फिफ्थ पॉइंट है रिलेशंस बिटवीन कोरिलेशंस रिग्रेशंस। रिग्रेशंस लाइन की हेल्प से कोरिलेशंस के क्वांटिटी और डायरेक्ट को जानने में हेल्प मिलती है। इसके लिए कई नियम हैं। फर्स्ट है यदि दोनों लाइन एक दूसरे को कम्प्लीटली कवर कर ले वो सीरीज में कोरिलेशंस होगा। इस प्रकार एक्स और वाई के बीच कोरिलेशंस होने पर रिग्रेशंस लाइन प्राप्त होगी जिसे पॉजिटिव रिग्रेशंस कहा जाएगा। यदि दो लाइन एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शंस कवर अप करेगी तो उसे कम्प्लीट नेगेटिव रिग्रेशंस कहा जाएगा। अगला है यदि रिग्रेशंस लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर कट करेगी तो यह कोरिलेशन अब्सेंट होगा, अर्थात दोनों सीरीज के बीच कोरिलेशंस की क्वांटिटी जीरो होगी। जब रिग्रेशंस लाइन एक दूसरे से अधिक पास होगी तब वहां कोरिलेशंस की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होगी। जब रिग्रेशंस लाइन एक दूसरे से दूर होगी तब यह कोरिलेशंस क्वांटिटी उतनी ही कम होगी। सिक्स पॉइंट है यूटिलिटी ऑफ रिग्रेशंस। इसके द्वारा दो सीरीज में कोरिलेशंस का पता लगाया जाता है। दो सीरीज में कोरिलेशंस की क्वांटिटी का पता चलता है। इसके थ्रू यह भी पता चलता है कि एक सीरीज दूसरे सीरीज को कितना प्रभावित कर रही है। एनिमल की लेंथ और वेट का पता लगाया जाता है। कोरिलेशंस के नेचर के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। इसका रेफरेंस बुक है बायोस्टैटिक बुक बाय बी के
महाजन।